हेलो दोस्तों, केम छो बदा, कैसे हो सब लोग। मैं निकल चुका हूँ नवसारी से आगे। ये है 1 2 9 2 9 इंटरसिटी एक्सप्रेस जो वडोदरा तक जाएगी। और ये ब्रिज बन रहा है शायद दिवाली के बाद, नहीं तो दिवाली से पहले उसका स्टार्टअप हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ही क्लाउडी एरिया है, ब्यूटीफुल एरिया है। और मैं जो बैठा हूँ वो है इमरजेंसी एग्जिट की सीट है, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा शूट करने में मज़ा आएगा। तो अभी आएगी पूर्णा नदी, पवित्रा नदी। अपने पूरे इंडिया में बहुत सारी नदी है और गुजरात में भी बहुत सारी नदी है दोस्तों। ये है पूर्णा नदी। माँ तुझे सलाम, आप ऐसे ही बहते रहो और अपने सागर को मिलते रहो और हम लोगों को हरे भरे रखो। बस यही है दुआ, माँ तुझे सलाम। ये है पूर्णा नदी जो सापुतारा हिल से निकल के आहवा और पूरे जो सी एरिया है उससे निकल के अपने सागर को मिलती है। तो अपने गुजरात में बड़ी बड़ी बहुत सारी नदी है। तो दोस्तों, आप कमेंट में भी बताना कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। साबरमती है, तापी है, नर्मदा है, ये पूर्णा नदी है, अंबिका नदी है, बहुत सारी नदी है दोस्तों। जो हम तो भाग्यशाली है, भगवान ने हमें जो ये वैभव दिया है इसके लिए थैंक यू गॉड। और बारिश भी हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। और ये मरोली का एरिया और खेती भी है अपने फार्मर के पास। साउथ गुजरात में बहुत सारे फार्मर्स हैं। ऐसे सीन देखने में बहुत मज़ा आता है। अभी बारिश भी होगी तो पूरा तालाब भी हरा भरा रहेगा, पानी ही पानी, जहां भी देखो पानी 4 महीने तक। तो दोस्तों, कैसे हो सब लोग, कमेंट में जरूर बताना। आप सबका प्यार मिलता रहता है, थैंक यू सो मच, दिल से आभार। सो फ्रेंड्स, ये है सूरत, खूबसूरत सूरत। आप लोग भी आए होंगे सूरत में, तो सूरत भी बहुत बड़ा है और साउथ गुजरात का नंबर वन। जैसे कि मुंबई, अहमदाबाद, वैसे ही सूरत। दोस्तों, सूरत में शॉपिंग करना है तो सूरत आओ, डायमंड चाहिए तो सूरत आओ। कपड़े भी बहुत अच्छे, टेक्सटाइल का तो शायद इंडिया का नंबर वन टेक्सटाइल में आप नाम जान सकते हो सूरत। प्लेटफॉर्म नंबर एक शायद बिजी होगा इसलिए खड़ी है इधर। अभी तो पहले से बहुत बहुत बोले तो बहुत डेवलप हो चुका है सूरत। सब कुछ मिल जाएगा सूरत में, सब कुछ जैसा मुंबई जैसा सूरत। बस अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएगा, फिर अपनी तो मज़े ही मज़े। मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं, सूरत से अप डाउन करूँ जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाए। देखी होगी, लेकिन ये मैं आपको खड़ी हुई अभी डिपार्चिंग हुई है सूरत से वो मैं शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी निकली अहमदाबाद की ओर, मुंबई सेंटर से निकल के बोरीवली, वापी, सूरत, अहमदाबाद,
सॉरी बड़ौदा, अहमदाबाद एंड गांधीनगर। और जैसे ही हॉर्नबज के स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप तो बहुत ही बढ़िया और एस्केलेटर 100%। देखो तो दोस्तों, अहमदाबाद जाना है वंदे भारत में और मज़े लूटने हैं, जाएंगे कभी कभी। भारत की फास्टेस्ट ट्रेन सेमी बुलेट ट्रेन, बहुत ही बढ़िया ट्रेन, लुकिंग गॉर्जियस। फ्रेंड्स ये है इवनिंग का एक शूट किया हुआ, वो ऐड कर रहा हूँ। और मैं हूँ नंदुरबार में, जो बोरीवली एक्सप्रेस बोरीवली तक जाएगी। और शाम का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, और ये जो नज़ारा है वो बहुत ही अद्भुत है, क्रिएशन बाय गॉड। लुपा छुपी बाय सन एंड क्लाउड, जैसे कि खेल रहे हैं, और ये लोग की खेल में हमें मज़ा आ रही है। सीन आप देखो, आप देख के ही बस देखोगे और बोलोगे कि क्या नज़ारा है यार, बहुत ही सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। ऐसे नज़ारा हो तो वीडियो शूट करने में दिक्कत क्या है, लेकिन जब भी आप वीडियो शूट करते हो तो संभाल के दोस्तों, थोड़ा रिस्की रहता है लेकिन संभालना, संभाल के वीडियो शूट कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन संभाल के करना जो भी चीज़ है, संभाल के। ट्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसमें चोरी भी हो सकती है, गिर भी जा सकते हैं, चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, तो ऐसे वीडियो शूट करने में बहुत ही केयरफुल रखना है दोस्तों। खूबसूरत नज़ारा, सुबह का नज़ारा हमने देखा और ये शाम का नज़ारा। पूरे दिन तो बारिश हुई, शाम में थोड़ा ऐसा हो गया, सनसेट, सनसेट ने ली पूरी अंगड़ाइयाँ। तो ये है अमलसाड़ का एरिया, और ये जो आप देख रहे हो वो है श्री अंधेश्वर महादेव मंदिर। जय श्री महादेव, जय श्री अंधेश्वर महादेव की जय हो। अंधेश्वर महादेव की जय के साथ ये नज़ारा। थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल सीन, आपने जो ये क्रिएट किया है, आपका ही है सब, तो इसके लिए दिल से आभार। तो दोस्तों कैसा रहा है वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।